महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। वोटरों को अपने पाले में करने के लिए तमाम दल अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन इसी बीच एक खास वोट बैंक पर सभी दलों के बीच आपस में खींचतान भी शुरू हो गई है और वो है मुस्लिम वोट बैंक, जिस पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई है, खासकर महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों की। और इस वोट बैंक के लिए महाविकास अघाड़ी में मानो महाभारत छिड़ गई है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। बीजेपी का वीक पॉइंट एमवीए में उसी पर फायर। जिस पर हर दल की नजर अब की बार जाएंगे किधर, महाराष्ट्र में एम फैक्टर किसका क्लोज करेंगे चैप्टर, फैक्टर चुनाव का, फैक्टर सियासी रणनीति का, फैक्टर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता पर काबिज होने का। इसके लिए महाराष्ट्र के तमाम सियासी दल पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। और वो फैक्टर है एम यानी मुस्लिम फैक्टर, जिस पर सत्ताधारी महायुति की भी नजर है और विपक्षी महाविकास अघाड़ी की भी। महायुति की पार्टियां जहां मुस्लिमों को लुभाने के लिए स्कीम पर स्कीम लॉन्च कर रही, वहीं महाविकास अघाड़ी में तो मानो मुस्लिम वोटर्स पर महाभारत छिड़ गई। महाभारत मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर। जिस पर कांग्रेस का अपना दावा है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, शरद पवार के एनसीपी शरद भी पीछे नहीं, और अब इन दलों के बीच अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो गई। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी कई दिनों से खुद के लिए सीटों के डिमांड कर रही। इन सभी दलों की एक ही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे जाएं। आपको सबसे पहले कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच हुई जबानी जंग के बारे में बताते हैं। इसकी शुरुआत शुक्रवार की सुबह शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने की। संजय राउत ने ये कहकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच मतभेद को जगजाहिर कर दिया कि सीट शेयरिंग के मसले पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसले लेने में सक्षम नहीं। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है समझ लो, कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के, नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है। संजय राउत के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी पलटवार किया। उन्होंने ये कहकर तंज कसा कि संजय राउत शायद पार्टी में उद्धव ठाकरे से बड़े नेता हैं। संजय राउत जी के नेता उद्धव ठाकरे जी हैं। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी हैं। और राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी जो हमारी टीम में, हम लोग कमेटी जो है उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को ओवरलोड करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि शिवसेना यूबीटी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने पार्टी के नेताओं से यह तक कह दिया कि जिस बैठक में नाना पटोले मौजूद रहेंगे उस बैठक में शिवसेना का एक भी नेता नहीं जाएगा। बात बिगड़ते देख महाविकास अघाड़ी के फाउंडर शरद पवार को आगे आना पड़ा और उन्होंने उद्धव ठाकरे से बात भी की। यह बात कांग्रेस हाईकमान तक भी पहुंची, जिसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की।
और दोनों पार्टियों के बीच बढ़ी तल्खी को कम करने की भी कोशिश की। मैं माधोपुर में आके उद्धव ठाकरे जी के को मिला, वो हॉस्पिटल में था, बीच में उनके तबियत पूछने के लिए मैं गया, उनकी अभी तबियत ठीक है और मगा विकास अकाडमी का तबियत भी ठीक है। हम एक साथ चलेंगे, कोई मतभेद नहीं है। नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस और संजय राउत और एनसीपी के जयंत पाटिल और तीनों लोग बैठ करके सीट डिवीजन में पूरा करेंगे। इसका असर ये हुआ कि सीट शेयरिंग पर रुकी महाविकास अघाड़ी की गाड़ी आगे बढ़ी और मुंबई के ट्राइडेंट होटल में तीनों पार्टियों के नेताओं की एक बार फिर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ शिवसेना यूबीटी से संजय राउत भी दिखे, वहीं एनसीपी शरद से जितेंद्र आह्वान भी नजर आए। मुझे लगता है अभी हमारे हालांकि सीट शेयरिंग पर फंसा पेच अब भी नहीं सुलझा है। कांग्रेस नेता अब भी कई सीटों पर अड़े हुए हैं। जो सीटों के बारे में बातचीत चल रही थी और जो सीटों पे तीनों पार्टियां अड़ी थी उसमें तो चर्चा हो गई है, मगर ये सब बातें हाईकमांड कल दिल्ली में जाके घोषणा करेगी। मुझे लगता है कि तीनों पार्टी को सीटें मांगने का अधिकार है। जो पार्टी का नेचुरल क्लेम बनता है, जो जब तक कब एमएलए थे, वो लास्ट एमएलए के चुनाव में कौन लड़ा था, कितने वोट से हारा था, महाविकास आघाड़ी करके ही हम लड़ेंगे। जिसे भी सीट जाएंगी उसको लड़ाने का काम हमारा रहेगा, मगर सीट जाए तक हमारा क्लेम क्यों बनता है ये बताने का काम पार्टी के कार्यकर्ता का, पार्टी के नेता का है कि हाईकमान को कि हम क्यों मांग रहे हैं सीट। और जहां पर हमारे को वोट ज्यादा मिले थे वो सीट हमें मिलनी ही चाहिए, ये तो अधिकार। कुछ जगहों पर ठाकरे गढ़ जो है वो भी यहां रुका हुआ है, कहीं एनसीपी के हमारे शरद पवार गुट है वो भी बात कर रही है। मैं समझता हूं कि महाविकास आघाड़ी का धर्म रखते हुए इसमें एक प्रकार की कॉमन भूमिका ली जाएगी कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी प्रणीत शिंदे फडणवीस पवार सरकार को पराभूत करना है, इसलिए हम सब फिर से इकट्ठा होकर इस लड़ाई में शामिल होंगे और ये भावना को रखते हुए सब लोग साथ देंगे, ऐसा मुझे लगता है। दरअसल ये पूरा विवाद मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर है। सूत्रों की माने तो शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच जिन सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है वो ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य सीट। उद्धव ठाकरे कई मुस्लिम इलाकों वाली सीटों पर अपना दावा कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक तरफा वोट किया, खासकर मुंबई जोन में, जिसमें भाईखला, मुंबा देवी, शिवाजी, मानखुर्द, अनुशक्तिनगर, कुरला, चांदीवली, घाटकोपर पश्चिम, मलाड, मालवड़ी जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के मुस्लिम मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों को जमकर वोट किया, जिससे उद्धव ठाकरे गदगद हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी इस बार का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी थी और मुस्लिम वोटरों को कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस का तर्क है कि शिवसेना यूबीटी को लोकसभा में जितने भी मुस्लिम वोट मिले वो कांग्रेस की वजह से मिले। ऐसे में कांग्रेस का दावा मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ज़्यादा मजबूत है। बस यही दावा दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग के मुद्दे को और उलझा रहा है, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी शामिल है। सूत्रों के माने तो शुरुआती दौर में मुंबई जोन के 7 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों का दावा था, जिसमें भाईखला, कुरला, जोगेश्वरी ईस्ट, बांद्रा ईस्ट, माहिम, वर्सोवा और घाटकोपर वेस्ट शामिल है। इन सभी सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मुंबई के अलावा ठाणे और भिवंडी में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। मराठवाड़ा क्षेत्र में औरंगाबाद, परभणी और लातूर के साथ ही उत्तर महाराष्ट्र में धुले और विदर्भ के अकोला में भी मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस अपना पारंपरिक वोट बैंक मानती है, लिहाजा कई सीटों पर कांग्रेस की प्रदेश इकाई समझौता करने को तैयार नहीं। कांग्रेस का तर्क है कि शुरू से ही मुस्लिम वोटर्स का झुकाव उनकी तरफ रहा है, जिसका फायदा उनके सहयोगी दलों को भी मिलता है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी की भी डिमांड जायज नहीं है और माना जाता है कि दोनों दलों का यही तक महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को उलझा चुका है।
महाविकास आघाड़ी में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर दावेदारों की कोई कमी नहीं है। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के अलावा अब समाजवादी पार्टी की भी गठबंधन की एंट्री हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव ने कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर डिमांड कर दी है। 4 सीटों पर अखिलेश यादव ने बाकायदा अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। वहीं असुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी MVA में अपना एंट्री चाह रही है और ये भी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ही अपना गणित फिट करना चाह रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। महाविकास आघाड़ी में MVA में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब NCP के नेता को लेटर लिखकर भी एक महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे। अभी तक कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT और शरद पवार की NCP शरद के बीच ही महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो गई। समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के घटक दलों से अपने लिए महाराष्ट्र में 12 सीटों की डिमांड की। हालांकि अखिलेश यादव ने साथ ही ये भी कहा है कि वो कम सीटों पर भी मान सकते हैं। महाविकास आघाड़ी में MVA में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी, जहां पार्टी मजबूत है। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट ने 30 सीटों पर पार्टी के प्रभाव का दावा करते हुए MVA में अपने लिए 12 सीटों की डिमांड की, जिनमें मान खुर्द, शिवाजी नगर, अनुशक्ति नगर, वर्सोवा, भाईखला, भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, मालेगांव, औरंगाबाद ईस्ट, बालापुर और धुले की सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी आबादी जो किसी भी कैंडिडेट की जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। मैं 12 सीटें मांग रहा हूँ और वो सीटें मांग रहा हूँ जहाँ पर मुझे वही सीटें चाहिए जहाँ पर मेरे जो पार्टियां महाविकास आघाड़ी में है जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूँ। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है। आज भी मैं कहता हूँ कि यदि वो सीट छूट जाएगी और कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें। हालांकि इस बीच अखिलेश यादव ने प्रदेश की 4 सीटों के लिए अपने कैंडिडेट के नाम का भी ऐलान कर दिया, जिसमें मानखुर्द, शिवाजी नगर से लगातार 3 बार के सिटिंग विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से पार्टी के मौजूदा विधायक रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी और मालेगांव से शाने हिंद शामिल। साथ मंच पर रईस शेख साहब हैं, रियाज साहब हैं और जो हमारे और साथी हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनके लिए समाजवादी पार्टी के टिकट देने का भी फैसला लेता हूं। अबू आसिम आजमी ने जो सिफारिश की है हमारे रईस शेख साहब की, उनके साथ ये हमारे दूसरे साथी हैं रियाज आजमी जी, भिमंडी वेस्ट के हैं। हमारे रईस शेख तो पहले से ही विधायक हैं भिवंडी ईस्ट की, और शाइनी हिंद जो आपके बीच के हैं, इनके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर MVA में इस तरह की खींचतान क्यों चल रही है, ये भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र में लोकसभा में जो भारी समर्थन मुस्लिम कम्युनिटीज का महाविकास आघाड़ी के पक्ष में चला गया, 30 सीटें मिली उनको, और एक सीट जो इंडिपेंडेंट सांगली की मिली वो भी कांग्रेस की है और वो कांग्रेस को ही साथ में जुड़ गए, वो विशाल पाटिल। ये इतना बड़ा जन समर्थन है और एक सिंगल लाइन पे चला कि हमको भाजपा को वोट नहीं देना है, तो अल्पसंख्यकों का यानी कि मुस्लिम समुदाय का जो मत वोट महाविकास आघाड़ी के पक्ष में चला गया, उसके बाद ये सारा बंटवारा नज़र आ रहा है। और समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया MIM, उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र में अगर मुस्लिम समाज एक साथ मिलकर इतना वोट कर सकता है भाजपा के विरोध में, तो क्यों हम कोशिश करें।
न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बार फिर महाविकास अघाड़ी से खुद को अपने गठबंधन में शामिल कराने की बात दोहराई। हालांकि ओवैसी की AIMIM की ओर से सीटों की डिमांड अभी तक नहीं की गई। ओवैसी की मांग पर MVA की ओर से कहा गया है कि प्रस्ताव आने पर चर्चा किया जाएगा।